नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार अकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आखिर बात वहीं पर जा पहुंची जिसका जिक्र 3 दिन पहले हमने इसी चैनल के वीडियो में किया था, यानी पाकिस्तान ने दुनिया से गुहार लगा दी कि भारत द्वारा हथियारों की खरीद से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन डगमगा रहा है। इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान ने बाकायदा वैश्विक स्तर पर अपील कर भारत को हथियार जमा करने से रोकने की अपील की है, पर हैरानी की बात यह है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों को भारत के हथियारों से कोई दिक्कत नहीं है। उस चीन को भी नहीं है जिसके लिए भारत ये हथियार खरीद रहा है। ढोल बज रहे हैं तो इस मदरसा मुल्क पाकिस्तान के। मतलब यह है कि भारत में राफेल की मौजूदगी और S-400 ने पाक की मुल्ला जमात के तहमत गीले कर दिए हैं। दरअसल ये पूरा खेल डाल पात से लातमलात पर आ गया है। पाकिस्तान समझता है कि भारत चीन के बीच जंग मुश्किल है। ऐसे में भारत द्वारा खरीदे जा रहे विध्वंसक हथियारों का शिकार पाक की मदरसा कौम हो सकती है, यानी पूत को अपनी पिटाई का डर पालने में जाने से पहले सताने लगा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने इस डर का बाकायदा इजहार भी किया है। उन्होंने दुनिया से भारत पर लगाम लगाने की अपील तो की है, मगर उन्होंने अपने बयान में एक बार भी S-400 और राफेल तक का नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान को यह भी चिंता है कि अगर उसने राफेल या S-400 पर निशाना साधा तो फ्रांस और रूस के कोपभाजन का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी हथियार निर्यातक देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का घाटा बिल्कुल सहन नहीं करेगा। यह मोदी सरकार की कूटनीति का एक कमाल है कि भारत रूस, फ्रांस के अतिरिक्त अमेरिका और इजराइल से भी अत्याधुनिक हथियार खरीद रहा है। यानी जो देश किसी देश की हथियार खरीद प्रणाली को बाधित करने की क्षमता रखते हैं वही भारत के हथियार निर्यातक देशों में शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान वो फटी का चांद साबित होगा जो ईद के चांद की तरह बस एक ही दिन बजता दिखता है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में पाकिस्तान ने भारत को लगातार एटम बम की धौंस दी है, पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह धौंस गुहार में बदल चुकी है। पिछले 2 साल से पाक की तरफ से एटम बम की कोई धौंस शायद ही सुनाई दी हो। अब शायद यह धौंस सुनाई भी नहीं देगी, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने के बाद पाक की परमाणु मिसाइलों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। पाकिस्तान किसी जंग में इन एटम बम का इस्तेमाल करेगा तो यह उसी के मदरसों के ऊपर नष्ट किए जा सकेंगे। यह एक तरह से भस्मासुरी प्रयास ही कहलाएगा जो खुद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। पर पाकिस्तान की मुश्किल S-400 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट से है। इस विमान ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत में इसकी मौजूदगी से नीलम घाटी में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने पहाड़ी इलाके से आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को हटाकर घनी बस्तियों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पीओके के उन खंडर स्कूलों को ठीक किया जा रहा है जो भूकंप त्रासदी में तबाह हो गए थे। इन स्कूलों की बाउंड्री को 13 फीट तक ऊंचा किया जा रहा है जिससे भीतर की कोई भी हलचल बाहरी लोगों को नजर नहीं आ सके। पिछले 3 दिनों से पीओके के लॉन्चिंग पैड पर मौजूद 150 से 150 इस्लामी आतंकी यहां से बोरिया बिस्तर उठाकर पीछे लौट रहे हैं। साथ ही यहां सैन्य जमावड़ा भी पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। जिन आतंकियों को भारत में धकेलने की प्लानिंग है उन्हें पाक फौज की वर्दी पहना दी गई है ताकि उन्हें भारत खुफिया तंत्र द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सके। पाकिस्तान को यह सब कवायद केवल राफेल के भारत में आने की वजह से करनी पड़ी है। राफेल की खासियत यही है कि वह अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ते हुए भी 268 किलोमीटर दूर लाहौर को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। यानी राफेल भारत की सीमा में रहते हुए घाटी में मौजूद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर भारी तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान में घबराहट का आलम यह है कि भारत के किसी एक्शन से पहले ही पाक फौज और उसके लाडले इस्लामिक दहशतगर्द में भग्गी मच गई है। पाक फौज प्रमुख कमर जावेद बाजवा से लेकर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी बदहवास हैं। इतनी बेचैनी पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक के बाद ही देखने को मिली थी। अब जबकि शांति व्याप्त है तो यहां पर तूफान बरपा हुआ है। हालांकि आयशा फारूकी ने भी पाकिस्तान के बेखबर नहीं रहने की धौंस दी है, मगर वास्तविकता यह है कि इस मदरसा मुल्क के कुकुर भी यहां खाली थाली चाट रहे हैं। जेब में 12 आने नहीं है और बात बारूद खरीदने की कर डाली है। पाक फौज में पतलून की बजाय हाफ निक्कर के ऑर्डर दिए जा रहे हैं ताकि रक्षा खर्च में कटौती की जा सके। किसी जमाने में पाक के रक्षा बजट की हिस्सेदारी कुल बजट में 50% तक पहुंच जाया करती थी, पर कंगाली में ऐसी मार पड़ी है कि पाकिस्तान के कुल बजट 7140 अरब पाकिस्तानी रुपए में बाजवा की फौज को 1300 अरब रुपए दिए गए हैं। भारतीय करेंसी में यह केवल 598 अरब रुपए होता है। इसमें 90% पैसा सैनिकों की तनख्वाहें और अन्य मदों में खर्च हो जाता है। हथियार खरीदने के लिए बचता है तो बस घंटा, जबकि भारत का रक्षा बजट 3,37,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। इसमें अगर पेंशन की राशि भी जोड़ दी जाए तो यह 4,70,000 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी जितना पाकिस्तान का कुल बजट है उसके आसपास भारत का रक्षा बजट हो जाता है। ऐसे में पाक की मुल्ला कौम तशरीफ को 90 डिग्री उठाकर अपनी जलन को और ज्यादा बढ़ा रही है। बाजवा की हालत यह है कि उन्हें आपात बैठकें करनी पड़ी है। अब अगर पाकिस्तान राफेल की टक्कर का विमान खरीदना भी चाहे तो वह नामुमकिन है, क्योंकि राफेल के बाद अमेरिका का स्टाइल F-35 फाइटर जेट है, पर अमेरिका उसे भी भारत को देने का मन बना चुका है। इसलिए चीन का खटारा J-20 ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसे खरीदने के लिए उसे चीन से ही कर्ज लेकर 8% सूद चुकाना होगा, लेकिन बावजूद इसके यह राफेल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास बौखलाने के अतिरिक्त दूसरा चारा नहीं है। राफेल के आने से पाक फौज में मची भगदड़ साबित करती है कि सीमा पर घबराहट हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। खासतौर से आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह तक पहुंचाने के लिए पाक फौज को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। खबर है कि 5 राफेल के बाद अब हर एक 2 महीने के अंतराल पर भारत को एक एक करके राफेल मिलते रहेंगे। अब भारत इनके इकट्ठे लेने की योजना खारिज कर चुका है। इस प्रक्रिया के तहत फरवरी 2021 तक भारत के पास 12 से ज्यादा राफेल विमान आ जाएंगे। यानी फ्रांस से आने वाला यह सरताज पाकिस्तान को हार्ट अटैक की स्थिति में लाता रहेगा। जाहिर है कि राफेल विमानों की यह ताकत पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती हो गई है, और शायद इसीलिए वे अपना बसना चलता देखकर भारत की हथियार खरीदारी को वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की चाल चल रहा है। मगर उसके इस कदम से उसे हताशा ही मिल पाएगी, क्योंकि भारत चीन के बीच जो तनाव पैदा हुए हैं यह खरीदारी उसी के मद्देनजर की गई है। एक तरह से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगाड़ने का जिम्मेदार चीन है। इसलिए पाकिस्तान को जाकर जिनपिंग के सामने तशरीफ झुकाकर सजदा करना चाहिए। अगर चीन की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई नहीं होती तो तब शायद इतने सौदे ना हो रहे होते। राफेल और S-400 का भारत में आना पहले से ही तय हो चुका था, मगर तब पाकिस्तान ने कोई आरोप और गुहार नहीं लगाई थी। आज उसका इस तरह से बिलबिलाना उसकी अपनी मजबूरी और चीन के जख्म पर मरहम रखने जैसा है। पर लगता यूं है कि पाकिस्तान के लिए मरहम बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि भारत इस मदरसा मुल्क को गहरे जख्म देने की तैयारी कर चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।